सिस्टर्स, हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं जहां नारी के सम्मान में लंका जला दी, महाभारत कर दी, दो जगह तो सेफ हो अपने घर में और जहां वो पढ़ती हैं या जहां काम करती हैं। अभी रस्ते, सड़कें और उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, इतनी तो हमारे को अपनी सरकार से उम्मीद ही नहीं है। अब अगर हम सब साथ नहीं खड़े होंगे तो कब साथ खड़े होंगे? वॉट एल्स आर वी वेटिंग फॉर? और कितना गलत हो जाएगा और हम साथ होंगे। नमस्ते, मुझे आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूँ आज। क्या मुझे पिछले कुछ दिनों से आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग। आप सबको पता है व्हाट हैज़ हैपेंड इन कोलकाता। इट पेन्स मी, इट गिव्स मी गूज पम्प्स कि जिस कंडीशन में उसके साथ ये हुआ ना, ममिता के साथ। हम सब हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटीज करके आए हैं, अभी भी नाइट शिफ्ट्स में कभी कभी कॉल पे जाते हैं। वी ऑल वर्क इन हॉस्पिटल्स एट ऑड आवर्स। टेक्स यू बैक टू योर कॉलेज टाइम कि इट कुड हैव बीन मी, इट कुड हैव बीन एनीवन, एंड इट गिव्स यू गूज़बम्प्स कि हुआ। अब हुआ और उसके बाद एविडेंसेस को कैसे टेम्पर किया जा रहा है, हर चीज़ को किस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा दिया जा रहा है। और एक चीज़ मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि जस्ट बिकॉज शी वॉज अ डॉक्टर, इसको सिर्फ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स की तरह ही क्यों ट्रीट किया जा रहा है? वॉज शी नॉट अ वुमेन? कहाँ गए वो सारे फीमेल एनजीओज जो निर्भया के लिए खड़े हो रहे थे, इतना हल्ला काट रहे थे, कहाँ है वो अब? एक लड़की अपने काम पर थी, ड्यूटी कर रही थी और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वेयर आर दीज वुमेन? वेयर आर दीज एसोसिएशंस? कहाँ हैं ये लोग? वाई आर दे नॉट स्टैंडिंग एंड दे जस्ट थिंक कि डॉक्टरों का मामला है, डॉक्टर्स ही हैंडल कर लेंगे? दैट इज एब्सोल्यूटली अनफेयर। येस शी वॉज अ डॉक्टर बट शी वॉज ऑल्सो अ फीमेल। और अब अगर हम सब साथ नहीं खड़े होंगे तो कब साथ खड़े होंगे? वॉट एल्स आर वी वेटिंग फॉर? और कितना गलत हो जाएगा और हम साथ होंगे? दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द फीमेल एसोसिएशंस कि अगर आप तक ये आवाज़ जा रही है, प्लीज़ जॉइन हैंड्स विद अस, हेल्प अस, सपोर्ट अस एंड हेल्प अस मेक लॉज जहाँ लड़कियाँ दो जगह तो सेफ हों अपने घर में और जहाँ वो पढ़ती हैं या जहाँ काम करती हैं। अभी रस्ते, सड़कें और उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, इतनी तो हमारे को अपनी सरकार से उम्मीद ही नहीं है। पर दो जगह तो सेफ करो, घर और जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं या कॉलेज जाती हैं, काम करती हैं। वरना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मतलब क्या है? फिर तो ज़रूरत ही नहीं है बेटियाँ पढ़ाने की या बचाने की। अगर ये एंड है लड़कियों का पढ़ लिख के, तो कौन पढ़ाएगा बच्चियों को, कौन बचाएगा बच्चियों को? आई मीन फॉर अ फादर टू सी हर डॉटर इन सच अ हॉरिबल वे, मतलब आप हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा होगा। यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू गेट ओवर अ चाइल्ड्स डेथ, पर एक नेचुरल कॉज से डेथ होना, किसी एक्सीडेंट में डेथ होना और ऐसे डेथ होना, इट मतलब ये दर्द वो जिंदगी भर के लिए है, पल पल का दर्द है ये, और कोई नहीं समझ सकता। वी इंडियंस कम फ्रॉम अ सोसाइटी, मतलब हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं जहाँ नारी के सम्मान में लंका जला दी, महाभारत कर दी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट थी वुमेन की रिस्पेक्ट होना उस ज़माने में। और हम कहाँ बदल गए, क्या गलत कर दिया हमने एज अ सोसाइटी? अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो the system has failed her, the society has failed to educate those men to respect women and not to objectify a woman. तो कहीं ना कहीं तो वो हमारे समाज की ही गलती है। रेपिस्ट चार थे, पांच थे, छह थे, पर थे तो इसी समाज का हिस्सा। कहाँ से आए वो? उनके दिमाग में इतनी घटिया सोच औरत को लेकर क्यों थी, किसी लड़की को लेकर क्यों थी?
मंदिरों में जाइए तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ फीमेल डीटीज़ की हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देवियों को पूजा जाता है, और उस देश में औरतों के खिलाफ ऐसे क्राइम्स, सच हीनियस क्राइम्स, कुछ कहीं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं ना। आई एम सो हर्ट, सो ट्रबल्ड इन माई ओन थॉट्स कि क्या हो रहा है, वेयर आर वी गोइंग एज अ सोसाइटी, और जो हुआ है लोग उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, हर कोई उसके लिए बोल क्यों नहीं रहा है, एक अलग से ही प्रोपोगेट कर दिया जा रहा है कि वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, यस वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, बट शी वॉज ऑल्सो अ फीमेल हु वॉज रेप्ड एंड ब्रूटली मर्डर्ड। वेयर आर द पीपल हु स्टूड फॉर वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, इन फैक्ट वाई आर दे स्टैंडिंग अप राइट नाउ, वेयर आर दे, प्लीज प्लीज हेल्प अस, प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद अस, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन तक भी ये मैसेज जा रहा है कि आप अपने लेवल पर, अपने इंस्टा पे, अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ भी है प्लीज़ आवाज़ उठाइए, जहाँ आपके यहाँ आंदोलन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट, जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज वी ऑल नीड टू स्टैंड टुगेदर।